नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो आज हम पढ़ेंगे इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या है? इवोपरेटर इज वन ऑफ द कंपोनेंट इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन विच द प्रोसेस ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द सब्सटेंस टू बी कूल्ड इज डन। इवोपरेटर जो है हमारा वो कंपोनेंट है जिस के अंदर से हम हीट को रिमूव करते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन का जो सबसे कूल पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं इवोपरेटर। उस पार्ट से हम हीट को रिमूव करते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेशन का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी कैबिन है उस कैबिन के अंदर से या कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम से हमको हीट रिमूव करनी है और हीट रिमूव करके उसको एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो इवोपरेटर जो है वो हमारा वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर से हमें हीट को रिमूव करना है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज वेपराइज इनसाइड द इवोपरेटर। इवोपरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो एक्सपेंशन डिवाइस से आता है। उस एक्सपेंशन डिवाइस से आने के बाद लिक्विड जो है वो हमारी वेपराइज होती है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो फिर हमारी सक्शन लाइन डैट मीन्स कंप्रेशन के अंदर जाती है। व्हाइल द रेफ्रिजरेंट इज चेंजिंग द फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इन द इवोपरेटर इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्पेस या सब्सटेंस कीप इन फ्रंट ऑफ देम। हमारी जो है वो फेज चेंज हो रही है। फेज चेंज हो रही का मतलब लिक्विड फेज से वेपर फेज के अंदर चेंज हो रहा है इवोपरेटर में। तो जब भी हमारी फेज चेंज होती है डैट मीन्स कि हीट जो है वो हमारी ऑब्जर्व हो रहा है, डैट मीन्स दैट हीट इज ऑब्जर्व बाय द रेफ्रिजरेंट। इवोपरेटर इज कैप्ड बिटवीन द एक्सपेंशन वॉल एंड द कंप्रेसर। इवोपरेटर जो है वो एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वॉल और कंप्रेसर के बीच में लगाया जाता है। इवोपरेटर इज द मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्योंकि जो भी हम कूलिंग करते हैं या कूलिंग जहां से अचीव करते हैं उस पार्ट को हम जो है वो इवोपरेटर बोलते हैं। द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन वॉल कम्स इन टू द इवोपरेटर बिलो द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन द इवोपरेटर। एक्सपेंशन वॉल के अंदर से जो टेम्परेचर आता है उसके बिलो पे जो है वो हम इवोपरेटर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इवोपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कूलर रेफ्रिजर और हम इसको चिलर भी बोलते हैं कई बार। कौन कौन सा मटेरियल जो है वो हम यूज़ करते हैं इवोपरेटर के लिए, इवोपरेटर जिससे हम बनाते हैं उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? गुड हीट कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, मस्ट बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। जितने अच्छी जो है वो हीट कंडक्टिंग मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो है वो हीट जो है वो रिमूव होगा। चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन द रेफ्रिजरेंट यूज इन द सिस्टम। मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो हमारा डिपेंड करेगा कि रेफ्रिजरेंट जो है वो किस सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा है। ब्रास एंड कॉपर यूज फॉर द रेफ्रिजरेंट एक्सेप्ट अमोनिया। फेरोन शुड नॉट बी यूज विद द अमोनिया। फेरोन जो है वो नॉट यूज विद द एल्यूमिनियम, सॉरी। इवोपरेटर जो है वो कितने तरीके से होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह का होता है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है इसके अंदर बेयर ट्यूब कॉइल इवोपरेटर, इसके बाद फिन ट्यूब इवोपरेटर, प्लेट इवोपरेटर, शेल एंड ट्यूब इवोपरेटर, शेल एंड कॉइल इवोपरेटर, ट्यूब इन ट्यूब इवोपरेटर। इन सबको जो है वो एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा बेस्ड अपॉन ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन, फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन है हमारी फ्लडेड टाइप इवोपरेटर, सेकेंड जो है हमारा ड्राई और डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप इवोपरेटर। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इवोपरेटर जो है वो हमारे किस किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा बेयर ट्यूब इवोपरेटर। बेयर ट्यूब इवोपरेटर क्या होता है? बेयर ट्यूब इवोपरेटर आर मेड ऑफ कॉपर ट्यूबिंग और स्टील पाइप्स, या तो कॉपर की बनी हुई होती है या स्टील पाइप्स की बनी होती है। द कॉपर ट्यूबिंग इज यूज फॉर द स्मॉल इवोपरेटर। स्मॉल इवोपरेटर जो है वो हमारी कॉपर ट्यूब्स की बनी हुई होती है, वेयर द रेफ्रिजरेंट अदर देन अमोनिया इज यूज्ड।
अगर अमोनिया के अलावा बाकी दूसरे जो रेफ्रिजरेंट हैं वहाँ पर हम कॉपर की ट्यूब जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वाइल द स्टील पाइप्स आर यूज विद द लार्ज इवोपरेटर वेयर अमोनिया इज़ यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। अगर हम अमोनिया यूज़ करें तो वहाँ पर स्टील की पाइप्स को अपन यूज़ कर सकते हैं। द बेयर ट्यूब इवोपरेटर कंप्राइजेस ऑफ सेवरल टर्न्स ऑफ ट्यूबिंग, तो ऑलमोस्ट कॉमनली फ्लैट, जिगजैग और ओवल ट्रोम्बोन आर द मोस्ट कॉमन शेप। फ्लैट, जिगजैग या ट्रोम्बोन टाइप का जो शेप होता है वो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है। द बेयर ट्यूब इवोपरेटर आर यूजली यूज फॉर द लिक्विड चिलिंग, लिक्विड चिलिंग के लिए जो है यूज में होता है। इन द ब्लास्ट कूलिंग एंड द फ्रीजिंग ऑपरेशन द एटमोसफेयर एयर फ्लो ओवर द बेयर ट्यूब इवोपरेटर एंड द चिल्ड एयर लिविंग इट इज यूज फॉर द कूलिंग पर्पज। ये बेयर ट्यूब के अंदर जो कूलिंग होती है वो हमारी एयर कूलिंग, एयर टाइप की कूलिंग होती है। द बेयर ट्यूब इवोपरेटर आर यूज इन वेरी फ्यू एप्लीकेशन, हाउवर द बेयर ट्यूब इवोपरेटर फिटेड विद द फिन्स। इवोपरेटर जो है वो बेयर टाइप की होती है, वो हमारी फिन्स के साथ फिटेड होती है। कॉल्ड द फिन इवोपरेटर आर यूज वेरी कॉमनली। ये जो है वो सिमेट्रिक डायग्राम है हमारा बेयर ट्यूब टाइप इवोपरेटर का। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो एक्सपेंशन हो के बाद इवोपरेटर के अंदर हमारा जा रहा है, और सक्शन लाइन जो है वो इवोपरेटर के बाद जो है वो सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर के अंदर जा रहा है। दूसरा जो है वो हमारा होता है फिन टाइप इवोपरेटर। द फिन टाइप इवोपरेटर आर बेयर ट्यूब टाइप ऑफ इवोपरेटर कवर्ड विद द फिन्स। अभी हमने बेयर ट्यूब टाइप इवोपरेटर देखा था, वैसी ही जो है वो ट्यूब्स होती है, लेकिन ये हमारी कवर्ड होती है फिन्स के द्वारा। व्हेन द फ्लूड जो है वो हमारी एयर और वाटर टू बी चिल्ड फ्लो ओवर द बेयर ट्यूब इवोपरेटर, लोट ऑफ कूलिंग इफेक्ट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट गोज वेस्टेड सिंस देयर इज लेस सरफेस फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द फ्लूड टू द रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर हमारा जो है वो फिन्स लगी हुई होती है, फिन्स के ऊपर से जो है वो एयर जनरली एयर पास करते हैं, एयर वाटर पास करते हैं, तो जितना कांटेक्ट में आता है, जितना सरफेस हमारा कांटेक्ट में आता है उस सरफेस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें कूलिंग मिलती है। द फ्लूड टेंड्स टू मूव बिटवीन द ओपन स्पेसेस ऑफ द ट्यूबिंग एंड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द कोयल, थस द बेयर ट्यूब इवोपरेटर आर लेस इफेक्टिव। जो हमारा सरफेस जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता, डेट मींस वो सरफेस जो है हमारी वेस्ट हो जाती है, उसके कारण जो है वो इफेक्टिव कम रहता है। द फिन्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बेयर ट्यूब इवोपरेटर इंक्रीज इज द कांटेक्ट सरफेस ऑफ द मेटेलिक ट्यूबिंग विद द फ्लूड। अगर हम फिन्स लगाते हैं डेट मींस हमारी एक्सटर्नल सरफेस जो है वो सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया हमारा जितना इंक्रीज होगा उतना इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। Thus the finned evaporators are more effective than the bare tube evaporator. That means हमें जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया जो है वो कॉन्टैक्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारी हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज होती है। इसलिए बेयर ट्यूब इवोपरेटर की कंपेरिजन में फिन टाइप इवोपरेटर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। द फिन्स आर एक्सटर्नल प्रोट्रूशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कोयल एंड दे आर एक्सटेंडेड into the open space. They help removing the heat from the fluid that otherwise would have come in contact with the coil. Fin evaporator के अंदर for the fin to be effective it is very important that there is a good contact between the coil and the fins. Coil और fins के बीच में जो है वो अच्छा contact होना चाहिए। In some cases the fins are soldered directly to the surface of the coil and in other case fins are just slipped over the surface of the fins and they are expanded thus ensuring a close thermal contact between the two. कई बार जो है coil और fin जो है वो आपस में solder करे हुए होते हैं, soldering करी हुई होती है, कई बार जो है वो directly जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ हो सकता है, और जितना ज़्यादा है जो है वो expand होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो हीट ट्रांसफर जो है वो ज़्यादा होगा। फिन्स हेल्प इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, एडिंग देम बियॉन्ड सर्टेन नंबर्स वुड नॉट प्रोड्यूस एनी एडिशनल बेनिफिट। बहुत ज़्यादा की अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कोई हमारा एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। हैंस अ सर्टेन नंबर ऑफ फिन्स शुड बी अप्लाइड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द ट्यूब।
The fin evaporator are most commonly used in air conditioner of the almost all type of जैसे हमने रेफ्रिजरेशन के पीछे जो है वो हमने देखा होगा कि हमारी जो है वो फिन्स टाइप इवोपरेटर लगा हुआ होता है, जो जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है एयर क्या करती है रेफ्रिजरेंट से जो है वो हीट रिमूव कर देती है। तो इस तरह के जो है वो फिन टाइप इवोपरेटर जनरली हमारी विंडो या स्प्लिट या पैकेज एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ करते हैं। इन दिस सिस्टम द फिन इवोपरेटर इज पॉपुलरली नोन एज द कूलिंग कॉयल भी बोलते हैं। द हॉट रूम एयर फ्लोज ओवर द फिन इवोपरेटर और द कूलिंग कॉयल गेट्स चिल्ड एंड एंटर द रूम टू प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। इन विंडो एयर कंडीशनिंग द फिन इवोपरेटर इज लोकेट बिहाइंड द ग्रिल। विंडो एयर कंडीशनिंग के अंदर फिन टाइप इवोपरेटर जो है वो ग्रिल के पीछे लगा हुआ होता है। इन द वॉल माउंटेड स्प्लिट अंटिल इट लोकेट बिहाइंड द फ्रंट एयर ऑफ द इनडोर यूनिट। ये जो है वो हमारा फिन इवोपरेटर जो है वो दिखाए हुए हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। यहाँ से जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रू द एक्सपेंशन वॉल जो है वो हमारा पास होगा, उसके बाद जो है वो वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा इवोपरेटर के अंदर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा और कंप्रेसर के अंदर जो है वो हमारा जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइंस जो दिखाई हुई है वो हमारी फिन्स है। ये फिन्स जो है वो फिन्स के अंदर से जैसे जैसे एयर जो है वो हमारी पास होगी तो हीट जो है वो हमारी रिजेक्ट होगी, या हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारी हीट जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा। थर्ड जो है वो हमारा प्लेट टाइप ऑफ इवोपरेटर। इन द प्लेट टाइप ऑफ इवोपरेटर द कॉयल यूजुअली मेड ऑफ द कॉपर और एल्यूमिनियम is embedded in the plate so as to form a flat looking surface। जैसे हमने फिन टाइप पढ़ा था, फिन की जगह जो है वो एक प्लेट तो जो है वो हम यूज़ करते हैं, प्लेट टाइप इवोपरेटर यूज़ करते हैं जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। एक्सटर्नली द प्लेट टाइप ऑफ इवोपरेटर लुक लाइक ए सिंगल प्लेट, एक सिंगल प्लेट की तरह दिखती है, बट इनसाइड इट देर आर सेवरल टर्न्स ऑफ मेटल ट्यूबिंग थ्रू विच द रेफ्रिजरेंट फ्लो। The advantage of plate type of evaporator is that they are more rigid as the external plate provide lots of safety। बाहर से जो है वो एक प्लेट की तरह दिखती है लेकिन उसके इंटरनल अगर हम देखें तो उसके इंटरनल जो है वो एक ट्यूब सी, मेटल की ट्यूब सी जो है हमारी बनी हुई होती है। The external plate also help increasing the heat transfer from the metal tubing to the substance to be chilled। Further, the plate type of evaporator are easy to clean and can be manufactured cheaply। As compared to fin की compare में हम जो है वो compare करें तो they are easy to clean and manufacture cheaply, और आसानी से साफ कर सकते हैं और जो है वो manufacturing इसका सस्ता होता है। Plate type of evaporator, the plate type heat exchanger can be easily formed into the various shapes as per as the requirement। Thus the in household refrigerator and the deep freezer they are used most commonly। Household जो हमारे refrigerator होते हैं या freezer होते हैं उनके अंदर commonly use करते हैं। They can be converted into the box shape to form the closed enclosure। Their various food can be kept in the frozen state। जैसे हमारा freezer का जो ऊपर वाला generally ऊपर वाला part होता है जहाँ पर हम ice जो है वो जमाते हैं तो वो पार्ट जो है वो हमारा एक इवोपरेटर का पार्ट होता है या इवोपरेटर ही होता है। द प्लेट्स कैन बी आल्सो बी वेल्डेड टुगेदर फॉर्मिंग द बैंक ऑफ द प्लेट टाइप ऑफ इवोपरेटर दैट कैन बी यूज द लार्ज इवोपरेटर ऑफ हायर कैपेसिटी। ये जो है वो सिमेट्रिक डायग्राम है हमारा प्लेट टाइप इवोपरेटर का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है वो एक प्लेट सी जो है वो नज़र आ रही है, दिखने में एक सिंपल प्लेट है लेकिन इसके नीचे जो है बहुत सारी ट्यूबिंग होती है। कभी हमने हमारे फ्रिज के अंदर भी देखा होगा कि एक प्लेट होती है, प्लेट के नीचे जो है वो कॉयल सी बनी हुई होती है, ट्यूब से बनी हुई होती है। एक्सपेंशन से डिवाइस से हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर होगा और उसके बाद जो है वो वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो इवोपरेटर के एंड से सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में जाएगा। इवोपरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर रेफ्रिजरेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर। शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर जो है वो हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप हमने कंडेंसर भी पढ़ा था उसके जैसा ही होता है। द शेल एंड ट्यूब टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर आर यूज्ड इन द लार्ज रेफ्रिजरेशन एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर यूज आता है। शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर जो है वो लार्ज रेफ्रिजरेशन एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर यूज है। द इवेपोरेटर इन दी सिस्टम आर कॉमनली नोन एज चिलर भी बोलते हैं इसको हम। द चिलर कंप्राइज ए लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स डेट आर इंसर्टेड इन साइड द ड्रम ऑफ द ड्रम और द शेल। शेल या ड्रम के अंदर जो है वो हमारा बहुत सारी ट्यूब्स जो है वो लगी हुई होती है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ चिलर दे आर क्लासीफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन हमारा ड्राई एक्सपेंशन टाइप, सेकेंड जो है हमारा क्लासिफिकेशन फ्लडेड टाइप्स ऑफ चिलर। शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ इवेपोरेटर ड्राई के अंदर अगर हम बात करें, ड्राई एक्सपेंशन चिलर द रेफ्रिजरेंट फ्लो अलोंग द ट्यूब साइड एंड द फ्लूड टू बी चिल्ड अलोंग द शेल टाइप। जो हमारा फ्लूड है वो हमारा शेल टाइप के अंदर एंटर करेगा और जो रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा ट्यूब के अंदर एंटर होगा। एंड द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑफ दीज चिलर इज कंट्रोल्ड बाई द एक्सपेंशन वॉल। और जो फ्लो होगा इनका वो फ्लो रेट जो है वो एक्सपेंशन वॉल या एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू जो है कंट्रोल होगा। और फ्लडेड टाइप में क्या होगा, इन केस ऑफ फ्लडेड टाइप ऑफ इवेपोरेटर द रेफ्रिजरेंट फ्लो अलोंग द शेल साइड एंड फ्लूड टू बी चिल्ड अलोंग द ट्यूब टाइप। इन दिस चिलर द लेवल ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कीप्ड कॉन्स्टेंट बाय द फ्लोट वॉल। इसके अंदर जो है वो कंट्रोल जो होगा हमारा वो फ्लोट वॉल के थ्रू होगा, एक्ट एज एक्सपेंशन वॉल आल्सो। ये फ्लडेड वॉल जो है वो हमारा एक एक्सपेंशन वॉल की तरह भी एक्ट करेगा। शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ इवेपोरेटर, शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ इवेपोरेटर का जो है वो सिमेट्रिक डायग्राम जो है यहाँ पे दिखा हुआ है। यहाँ पर जो है ये बाहर वाला जो एरिया है उसको हम शेल बोलते हैं, जो अंदर ये इस तरह की पतली सी ट्यूब्स हैं, ये हमारी ट्यूब्स हैं। रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो चिल लिक्विड आउट, मतलब ये जो है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस से जो है वो आ रहा है। ये एक्सपेंशन से जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो हमारा है आ रहा है और यहाँ से जो है वो हमारा एक तरफ जो है ये हमारा रेफ्रिजरेंट जो ट्यूब्स के थ्रू जो आ रहा है और दूसरा जो है शेल के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है। तो यहाँ से लिक्विड जो है वो एंटर हो रही है और यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है हमारा एक के अंदर जो है वो वाटर आएगा, एक के अंदर जो है वो हमारा लिक्विड फ्लो होगा शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर के अंदर। शेल एंड कोयल टाइप ऑफ इवेपोरेटर, शेल एंड कोयल टाइप ऑफ इवेपोरेटर है वन ऑफ द मोर स्पाइरल शेप्ड बेयर ट्यूब कोयल इंक्लोज इन ए वेल्डेड शेड। एक शेल बना हुआ होगा, ठीक है, उस शेल के अंदर जो है वो हमारा बेयर ट्यूब कोयल्स के जैसे जो है वो ट्यूब्स बनी हुई होती हैं या कोयल्स बनी हुई होती हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं शेल एंड कोयल टाइप ऑफ इवेपोरेटर। ये आपस में जो है वो वेल्डेड होते हैं। दे आर जनरली ड्राई एक्सपेंशन टाइप विथ रेफ्रिजरेंट इन द कोयल्स एंड चिल्ड लिक्विड इन द शेल। दे हैव थर्मल कैपेसिटी फॉर द एप्लीकेशन फॉर हाई बट इनफ्रिक्वेंट लोड्स के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज फॉर द चिलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर आस्पेक्ट वेयर क्लीननेस इज ए फैक्टर लाइक बेकरीज एंड फोटोग्राफिक लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। ये हमारा सिमेट्रिक डायग्राम शो कर रहा है शेल एंड कोयल टाइप का। ये जो है वो हमारा शेल है जो बहुत यहाँ पर जो है वो वाटर हमारी एंटर हो रहा है कूलिंग के लिए, वाटर जो है वो यहाँ से एग्जिट हो रहा है, फिर लिक्विड जो है वो रेफ्रिजरेंट एंटर होगा इस कॉयल के अंदर। ये कूलिंग कॉयल है, कूलिंग कॉयल, और यहाँ से वेपर जो है वो आउट होगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा एक्सपेंशन वॉल से आता है और वेपर जो है वो हमारी रेफ्रिजरेंट वेपर जो है वो हमारी कंप्रेसर में जाती है। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम बोलते हैं शेल एंड कोयल टाइप कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो है वो ट्यूब इन ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, डेट मीन्स एक ट्यूब के अंदर जो है वो दूसरी ट्यूब का यूज करना, दैट इज ट्यूब इन ट्यूब टाइप इवेपोरेटर। दिस कूलर कंसिस्ट ऑफ वन पाइप इनसाइड अनदर, एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप। द फ्लूड टू बी कूल्ड फ्लो
इन द इनसाइड एंड द रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द आउटर स्पेस. जो भी फ्लूड जो है वो हमारा इनसाइड वाली ट्यूब के अंदर पास होगा या इनसाइड वाले पाइप के अंदर होगा, और रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा आउटसाइड के अंदर पास होगा. एंड द इनर एंड आउटर ट्यूब इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन, या उसको हम बोल सकते हैं कि काउंटर फ्लो डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा. टू फ्लूड टू ऑब्टेन ए हाई हीट ट्रांसफर रेट. हेडर्स आर यूज्ड एट बोथ द एंड्स टू मेक द लेंथ ऑफ कंडेंसर स्मॉल एंड रिड्यूस प्रेशर ड्रॉप. दोनों साइड से जो है वो जॉइंट होगा ताकि जो है हमारा प्रेशर ड्रॉप जो है वो मिनिमम हो. द रेफ्रिजरेंट इन द एनुलस रिजेक्ट ए पार्ट ऑफ इट्स हीट टू द सराउंडिंग बाई फ्री कन्वेंशन एंड रेडिएशन. हीट जो है वो हमारी फ्री कन्वेंशन एंड रेडिएशन के थ्रू होगा. द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज यूजुअली लो बिकॉज ऑफ पुअर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ड्रेनेज इफ द ट्यूब्स आर लॉन्ग. ये हमारा जो है वो ट्यूब एंड ट्यूब टाइप जो है ये ऑपरेटर शो कर रहा है. ट्यूब एंड ट्यूब टाइप ये ऑपरेटर में क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिक्विड जो है वो हमारा अंदर वाले पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है और रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा आउट वाले या आउटर वाले पाइप में हो रहा है. दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमारी डिफरेंट है. काउंटर टाइप फ्लो हो रहा है जिससे जो है वो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग कंडीशन. फर्स्ट जो है वो हमारा फ्लडेड टाइप इवोपरेटर है. फ्लडेड टाइप इवोपरेटर के अंदर थोड़ा सा अभी हमने पढ़ा था कि फ्लडेड टाइप के अंदर जो हमारा कंट्रोल होता है वो फ्लोट वॉल के थ्रू होता है. ए फ्लडेड इवोपरेटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड द लेवल ऑफ रेफ्रिजरेंट इज मेंटेन इन एक्यूमुलेटर बाई ए फ्लोट वॉल. द इवोपरेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द एक्यूमुलेटर. जो भी हमारा इवोपरेटर है वो एक्यूमुलेटर से कनेक्ट होता है. वन पाइप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल सप्लाइज लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन, जो बॉटम से जो है वो हमारा वेसल के लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है. अभी हम सिमेट्रिक डायग्राम में देखेंगे. द रिटर्न पाइप कंटेनिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड वेपर एंटर्स द वेसल नियर द टॉप. द लिक्विड फ्रॉम द एक्यूमुलेटर इज क्वाइट ऑफन पम्प्ड अराउंड द इवोपरेटर. इसका डिसएडवांटेज है, द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लडेड इवोपरेटर इज दैट इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड इज बल्की. द मेन एडवांटेज इज दैट द इनसाइड ऑफ द पाइप्स आर कंप्लीटली वेटेड विद द रेफ्रिजरेंट एंड दिस प्रोड्यूस अ वेरी हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. अंदर जो है वो इतना फ्रिक्वेंटली जो है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है कि अंदर जो हमेशा वेट कंडीशन ही रहता है और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंटली जो है वो हीट ट्रांसफर मिलता है हमको. ये हमारा डायग्राम जो है वो फ्लडेड टाइप इवोपरेटर का शो रहा है. यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो एक फ्लैश चैम्बर, या हम इसको फ्लैश चैम्बर है हमारा. ये हमारा जो है वो एक्यूमुलेटर है. इस फ्लैश चैम्बर के अंदर से जो है वो यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है हमारा फ्लो होगा थ्रू द रिसीवर से. ये हमारा एक्सपेंशन डिवाइस जो है वो फ्लोट कंट्रोल वॉल्व भी बोलते हैं इसको हम. यहाँ से जो है वो फ्लोट लगा हुआ है. फ्लोट क्या करेगा, हमारा जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है उसके लेवल को जो है वो मेंटेन करेगा. इसके बाद जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा अक्यूमुलेटर में क्या जाएगा. अक्यूमुलेटर से जो है ये बॉटम से जो है वो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा. ये हमारा इवोपरेटर है. इवोपरेटर के बाद जो है वो लिक्विड और वेपर जो मिक्सचर होगा वो हमारा यहाँ पर जाएगा. यहाँ पर बेफल प्लेट लगी हुई होती है. बेफल प्लेट क्या करती है कि जो भी हमारा लिक्विड और वेपर लिक्विड वेपर है, क्योंकि हमें कंप्रेसर में केवल वेपर रेफ्रिजरेंट भी सेंड करनी है, तो अगर कुछ अमाउंट में लिक्विड रह जाता है तो वो इस बेफल से जो है वो टकराएगी और यहाँ से कंडेंस होके जो है वो नीचे वाटर की फॉर्म में या नीचे कलेक्ट हो जाएगी. अब ये कैसे वर्क करेगा, ये लेवल जो है वो मेंटेन रखना है. जैसे ही जो है वो जैसे ही जो लिक्विड जो है वो नीचे चला जाता है, या हम बोल सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो इवोपरेटर में चला जाता है, तो ये फ्लोट वॉल जो है वो ऊपर हो जाता है. तो जैसे जैसे फ्लोट वॉल ऊपर होगा यहाँ पे जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है. और जैसे ही ये सप्लाई जो है वो पूरी हो जाएगी, यहाँ पे लोड जो है वो इक्वल हो जाएगा,
तो ये फ्लोट जो है वापस नीचे आ जाएगा, तो सप्लाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह से जो है ये फ्लडेड इवेपोरेटर जो है वो हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर, अभी हमने पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर आर आल्सो, इसको ड्राई इवेपोरेटर आर सो कॉल्ड बिकॉज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर द इवेपोरेटर बाय एक्सपेंशन वॉल एंड द वेपराइज बाय द टाइम इट रीच द एंड ऑफ द इवेपोरेटर कॉइल। देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट 20% वेपर प्रेजेंट विद इन द इवेपोरेटर पाइप वर्क। द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर विल डिपेंड ऑन द फिक्स्चर लोड। बेसिकली जो है वो वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको ड्राई एक्सपेंशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर विल डिपेंड ऑन द फिक्स्चर लोड पे हमारा डिपेंड करता है। एट द लाइट लोड कंडीशन द अमाउंट ऑफ लिक्विड विल बी स्मॉल। लाइट लोड होगा तो हमारा अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो स्मॉल होगा, जैसे हाई लोड होगा हमारा जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा। द लार्जर द वेटेड सरफेस द ग्रेटर द एफिशिएंसी, जितना हमारा वेटेड सरफेस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब ये डायग्राम जो है वो हमारा ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर को शो कर रहा है। ड्राई इवेपोरेटर एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो थ्रो द एक्सपेंशन वॉल हमारा एंटर होगा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है। तो इवोपरेटर क्या करता है, हमारा लिक्विड जो है वो उसको इवोपरेट करता है और कम्प्लीटली जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम्प्लीटली वेपराइज्ड और यहाँ पर जो है वो सुपर हीटेड स्टेट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक फिलर बल्ब जो है वो लगा हुआ होता है। फिलर बल्ब क्या करता है कि जो हमारी सुपर हीटेड वेपर है उसके टेम्परेचर को मेज़र करता है और ये टेम्परेचर जो है यहाँ पर हमारे इनलेट को जो है वो बताता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा जो है वो सुपर हीटेड टेम्परेचर, उस सुपर हीटेड टेम्परेचर को हमें मेंटेन रखना होता है, तो उस टेम्परेचर से जो है वो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो कंट्रोल होता है। तो एक फिक्स्ड जो है वो सुपर हीटेड वेपर टेम्परेचर जो है वो रखना है, इसलिए जो है वो अगर हमारा सुपर हीटेड वेपर जो है उसका टेम्परेचर कम होता है तो फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फ्लो जो है वो वापस हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा वर्क होता है, ये हमारा फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इस तरह से जो है वो सुपर हीटेड वेपर जो है हमारी सक्शन के थ्रू जो है वो कंप्रेसर के अंदर एंटर होती है। तो ये पूरा वर्किंग जो है वो हमारा ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर है। इसको ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो सुपर हीटेड वेपर को जो है वो एक्सपेंशन वॉल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू।